हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, मैं लेकर आ चुका गाइस एक न्यू कोरियन ड्रामा जो कि आपको देखने मिलता है गाइस बीकेटीवी पे। और ये ड्रामे का नाम है गाइस माय स्वीट मॉन्स्टर, जो कि आपको देखने मिलता है गाइस बीकेटीवी पे 16 एपिसोड के साथ में। लेकिन हाल फिलहाल में गाइस, अगर आपके पास बीकेटीवी का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हाल फिलहाल में आप दो ही एपिसोड देख सकते हो, क्योंकि अभी तक फ्री में दो ही एपिसोड मतलब बीकेटीवी आपके लिए लेके आया है। अगर आपको आगे देखना तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर फ्री में देखना तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना, आप सर्च करोगे, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा इंग्लिश सबटाइटल के लिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। आपको पहले बता दूंगा इसे हिंदी डबिंग के साथ में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी ये कोरियन ड्रामा का नया ड्रामा है। अभी आपको ये आपको देखने मिलता है इंग्लिश सबटाइटल के साथ में। अभी ये गाइस अभी नेटफ्लिक्स में नहीं आया ड्रामा गाइस, ये आपको बीकेटीवी पे देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा ड्रामा मेरे को लग रहा है गाइस, इसलिए मैंने इसका मैं चाहा कि मैं आपको इसका रिव्यू करके बता दूं कि एक नया ड्रामा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने इसका गूगल पर सर्च किया तो गाइस ये नंबर 1 मतलब 6 पे ट्रेंड कर रहा है, जो कि पब्लिक इसको बहुत अच्छा खासा देख रही है। तो चलिए गाइस इसके बारे में बताते हैं कि इसके बारे में आपको क्या देखने को मिलता है। इसमें आपको देखने मिलता है तीन लोगों की स्टोरी आपको इसमें कंबाइन करके दिखाई जाती है। दो लड़के रहते हैं और एक लड़की रहती है। बात गाइस आपको मालूम है कि मतलब कि लव ट्रायंगल तो होना है इस ड्रामे में। तो इसमें आपको देखने मिलता है सीओ जिन, जो कि एक कंपनी का बहुत बड़ा मालिक रहता है, एक सीओ रहता है। और उसी में एक लड़की रहती है, उसमें नहीं रहती है, एक लड़की रहती है जिसका नाम है युना, जो कि मतलब एक बहुत गरीब सी लड़की रहती है, जहाँ पे उसको कोई भी काम मिलता तो काम करती रहती है। जहाँ पे उसकी एक दिन मुलाकात होती है सीओ जिन से, जहाँ पे सीओ जी रहता है बहुत बड़ा कंपनी का मालिक, जहाँ पे लोग गलती से टकरा तो जाते हैं। जो सीओ जी रहता है उसको प्यार हो जाता है युना से पहली नज़र में, और उसको देखता तो रह नहीं पाता, मतलब कि उसका एक ख्याल आते रहता है उसको। और मतलब वो बहुत सारी गलती भी करती थी ना, लेकिन तो भी उसको माफ करके मतलब वो उसको मतलब पहली नजर में अपना दिल दे बैठता है गाइस, जहां पे वो बहुत ज्यादा उससे प्यार करने लग जाता है। ये गाइस जो इना रहती है उसका एक पास्ट रहता है, जहां पे उसको जो फादर और मदर रहते हैं, जहां पे वो डिवोर्स लेके अलग रहते थे। जो कि इना रहती है वो घर से भाग जाती है, जहां पे उसकी मुलाकात होती है जंग योंग से। जंग योंग रहता है मतलब इसके बचपन का मतलब कि एक लड़का रहता है, जहां पे वो मतलब उसको बहुत ज्यादा ख्याल रखते रहता है इना को, जहां पे फिर कुछ दिन बाद वो अलग हो चुके रहते हैं। जहाँ पे बड़े होने के बाद युना मतलब उसको मतलब इंतजार करती थी कि जंगहून कहाँ है, जहाँ पे उसका एक करियर में एक मोटिव रहता है कि उसको ढूंढा वो उसको ढूंढे, और उससे वो मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी करती रहती है जो कि युना रहती है। लेकिन ये भी दूसरी तरफ गाइस जो कि सीओ जी रहता है उसको पहले नज़र में प्यार करने लग जाता है, लेकिन जंगहून रहता है गाइस उसको पहचान नहीं पाता है। तो क्या गाइस जंगहून वो लड़का नहीं है जो कि वो बचपन में मतलब युना से मिला था, कि वो सीओ जी है वो बचपन में जो लड़का था। तो क्या गाइस क्या लगता है गाइस वो बचपन का जो लड़का रहता है वो कौन हो सकता है, आपको सीओजी हो सकता है या जंगहून हो सकता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कितना ये ड्रामा आप देखो पहले एपिसोड में आप पता लगाओ कि मतलब कि आपको बचपन का इसका जो फ्रेंड हो सकता है कौन हो सकता है। और देखते हैं जो इना रहती है वो किसको पसंद करती है, सीओजी को या जंगहून को, जो कि सीओजी तो हमेशा उसको प्यार करते रहता है, लेकिन यूनो रहता है उसको जो बैक स्टोरी अभी तक स्टोरी में दिखाया नहीं गया इसको, ऐसा लगता है कि मतलब गाइस ये मतलब कि इसका बचपन का फ्रेंड ये नहीं है, इसका बचपन का फ्रेंड लगता है सीओजी है, क्योंकि वो जैसे इना वो नाम सोचता है ना तो गाइस उसको कुछ ऐसा बैकग्राउंड माइंड चलने लग जाता है। तो गाइस ये ड्रामा आपको जाके देखिए गाइस, मुझको ये ड्रामा अभी तक तुमको बहुत फेबुलस लगी है ड्रामा गाइस। अभी तक मैंने ये ड्रामा देखना स्टार्ट किया है, मैंने छह एपिसोड का देख लिया है, सातवां एपिसोड गाइस कल के दिन आने वाला है, परसों के दिन आने वाला 8वां एपिसोड तक। जाइए गाइस इसको प्रिपेयर करिए, इसको देखना और बीकेटीवी पे बहुत ही अच्छा ड्रामा है। ना मिले तो गाइस आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो इंग्लिश सबटाइटल के साथ में। तो और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, ऐसे हम लोग लेटेस्ट अपडेट आपके लिए आते रहेंगे कोरियन ड्रामा या चाइनीज ड्रामा का। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस।